नमस्कार, स्वाद संपन्न की टी टाइम सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज रोल विथ ओनियन डिप, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए अब हम लेंगे 3/4 कप चीज। ये हमारा घर का बनाया हुआ चीज है, उसे हम एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद हम लेंगे 1/2 कप ग्रेटेड पनीर। ये आप घर का भी ले सकते हैं और आप रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए, आपको इस तरह सॉफ्टली मिक्स करना है। उसके बाद हम एक सॉस पैन में 4 टेबलस्पून बटर हीट करेंगे। अगर बटर हीट होने लगे तो हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मैदा यानी वाइट फ्लोर। उसे अच्छी तरह सटे कर लेंगे। ये सटे होने के बाद हम उसमें डालेंगे 1 कप मिल्क। उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च पाउडर और उसके साथ जाएगा स्वाद अनुसार नमक। इसे हम अच्छी तरह मिक्स करके सॉस तैयार करेंगे। देखिए कैसे सॉस बन गया है, इसका कंसिस्टेंसी देखिए। अब हम हीट ऑफ करके रख देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डालकर उसे थोड़ा पतला बनाएंगे। आप चाहें तो आपकी पसंद के अनुसार और भी पतला सॉस बना सकते हैं। इस सॉस को हम आधा कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे और आधा मिक्सचर के लिए। देखिए, अब हम इस पनीर मिक्सचर में 1/2 पोर्शन सॉस को मिक्स कर रहे हैं। अब हम लेके ब्रेड स्लाइसेस, जिसका किनारा कट किया हुआ है, उसे हम इस तरह थोड़े थोड़े दूध में मॉइस्ट करेंगे। सभी ब्रेड को हम इस तरह बना लेंगे। बस अब ये ब्रेड रेडी हो चुका है। अब हम इस ब्रेड को लेकर इसमें जो पनीर मिक्सचर है उसको फिलअप करेंगे। आप चाहे तो आपके पसंद के अनुसार ज़्यादा कम भी फिलअप कर सकते हैं। बस उसे इस तरह हम स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद हमें इस तरह रोल करना है। उसे हमें थोड़ा सॉफ्टली करना पड़ेगा। देखिए किस तरह रोल हो रहा है। बस अब हम दोनों हाथों में उसे सेप दे देंगे। इस तरह हमें सभी ब्रेड को प्रिपेयर कर लेंगे। अब हम इस ब्रेड में और थोड़ा दूध डालकर उसे थोड़ा पतला बनाएंगे कोटिंग के लिए। हमारे सारी रोल कोटिंग के लिए रेडी हो चुका है। अच्छी तरह मिक्स करके हमने इसे वाइट सॉस में कोट कर देंगे। कोट करने के बाद हमने यहाँ लिया है 1/2 ग्रेटेड गाजर और 1 कैप्सिकम ग्रेटेड। दोनों को हमने सीजन करके उसका वाटर स्क्वीज कर दिया है। अब ये कोट हो गया है। इसे देखिए, इस तरह आपको कोट करना है। बस अब सीजन वेजिटेबल में हम इसे इस तरह कोट कर लेंगे। अच्छी तरह लपेट लेना है। देखिए कैसे बन रहा है। इस तरह हमें सारी रोल को प्रिपेयर करना है। इसे थोड़ा हाथ में सेव देना है कोट करने के बाद। देखिए हमारा ये सारी रेडी हो चुका है। अब हम हमें सालो फ्राई कर सकते हैं। आप चाहे तो हेल्दी ऑप्शन के लिए बटर ब्रश करके इसे बेक भी कर सकते हैं। अब इस जाएगा कढ़ाई में तेल लेकर उसे हम इस तरह फ्राई करेंगे। अब हम दूसरे पैन में ओनियन डिप के लिए एक छोटा सा कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। थोड़ा सा तेल गरम करना है। देखिए इस तरह ये किस तरह कुक हो रहा है। अब हम इसमें जाएगा 1 ग्रेटेड ओनियन।
तेल गरम हो जाने के बाद उसे हम अच्छी तरह सटे कर लेंगे। उसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा। अब हम इसमें रोल को पलटेंगे। अब ये ओनियन सटे हो चुका है। अब इसमें जाएगा नमक। नमक मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस और उसके साथ जाएगा 1 टेबलस्पून टमाटो सॉस। उसे अच्छी तरह हमें मिक्स कर लेना है और कुक होने के लिए रख देना है। उसके बाद हम जो स्क्वीच किया हुआ वेजिटेबल का वाटर था उसे ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह का कंसिस्टेंसी आ जाने पर हम हीट ऑफ कर लेंगे। ये डीप हमारा तैयार हो चुका है। अब ये चीज़ रोल भी तैयार हो गया है। देखिए क्रिस्पी ब्राउन होकर अब हम इस रोल को प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह हम सभी रोल को तैयार कर लेंगे। अब बारी है प्लेटिंग की। देखिए हमारा प्लेटिंग रेडी हो चुका है। आप इसे एंजॉय करिए। अगली बार मिलेंगे एक मेन कोर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।